श्री अमरनाथ गुफा हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और यह भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में जाना जाता है। भगवान शिव की यह भव्य अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से लगभग 134 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्री अमरनाथ की गुफा बेहद रहस्यमय है, जहां हर साल बर्फ से भगवान शिव के अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है। आइए आपको श्री अमरनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देते हैं, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और रहस्य भी आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का D2 Fact YouTube चैनल पर। श्री अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में ऊंचाई पर होने के कारण प्रायः बर्फ से ढकी रहती है। इस मंदिर के चारों ओर साल के अधिकतर महीने बर्फ ही बर्फ रहती है, इसीलिए यह मंदिर वर्ष में केवल एक बार कुछ महीनों के लिए सभी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया बिल्कुल प्राकृतिक और चमत्कारिक है। इस गुफा में प्राकृतिक बर्फ से एक शिवलिंग का निर्माण होता है। गुफा में जगह जगह पर ऊपर से गिरने वाली पानी की बूंदों से करीब 12 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण होता है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि यहाँ बनने वाला यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि यहाँ पर गिरने वाली बर्फ सामान्यतः कच्ची बर्फ होती है, जो कि हाथ में लेते ही बुरबुरा जाए। इसके अलावा भी लोग यह मानते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के देवी देवताओं की आकृतियाँ बर्फ के माध्यम से बनती है। और तो और दोस्तों, चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ यह शिवलिंग भी गढ़ता और बढ़ता रहता है। कभी यह अपने पूर्ण आकार में होता है, तो कभी धीरे धीरे छोटा होकर पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। एक ही जगह पर यह प्रक्रिया हजारों सालों से चलती आ रही है। यही कारण है कि अमरनाथ मंदिर में बर्फ के शिवलिंग बनने के कारण इन्हें बाबा बर्फानी और हिमानी बाबा के नाम से पूजा जाता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको भगवान शिव के यहाँ पर विराजने की संपूर्ण कथा आपको बताते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने हिमालय राज के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया था। यह उनका दूसरा जन्म था। इसके पूर्व के जन्म में वह महाराजा दक्ष की पुत्री थी, जिनके साथ भगवान शिव का विवाह हुआ था। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक साथ बैठे हुए थे। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ में पड़ी मुंड माला को देखकर बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि हे स्वामी, आप यह मुंड माला क्यों धारण करते हैं? इस बात पर भगवान शिव ने उनकी जिज्ञासा को दूर करते हुए बताया कि आपने जितनी बार अपने शरीर का त्याग किया है, मैंने उतनी ही मुंड मालाओं को अपने हार में धारण किया है। इस बात पर माता पार्वती की जिज्ञासा और बड़ी होने लगी। उन्होंने भगवान शिव से पुनः प्रश्न किया कि मेरा शरीर नश्वर है, जो बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, और हर बार पुनः जन्म लेकर कठोर तपस्या के बाद मैं आपकी पत्नी बनती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु नहीं होती है। आप मुझे बताएं कि आप क्यों अमर है, और आप मुझे अमृत तत्वों से परिचित कराएं। मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, और सदा सदा के लिए आपकी पत्नी बने रहना चाहती हूँ। भगवान शिव ने उन्हें उत्तर दिया कि उनके मृत्यु के पीछे एक अमर कथा है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की उत्कंठा जताई। हालांकि भगवान शिव ने कई बार उनकी जिज्ञासा को टालने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब पार्वती जी की जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि उन्हें अब अमर कथा सुना देनी चाहिए। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी अन्य जीवित प्राणी इस अमर कथा को सुन पाए, इसलिए उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां माता पार्वती के अलावा उनकी कथा को और कोई भी नहीं सुन पाए।
भगवान शिव ने यह अमर कथा सुनाने के लिए पंच तत्वों पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि का त्याग किया था तथा सर्वप्रथम पहल गांव में उन्होंने नंदी बैल को छोड़ा था। उसके बाद चंदनवाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा का भी त्याग किया था। चंद्रमा का त्याग करने के पश्चात भगवान शिव शेषनाग झील पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने गले से सर्पों का भी त्याग किया। उसके बाद महागुणस पर्वत पर पहुंचकर श्री गणेश जी को वहां पर छोड़ा। जब भगवान शिव ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, उसके पश्चात पंचतरणी स्थान पर पहुंचकर अपने शरीर के अवयव यानी कि पांच तत्वों को भी त्याग दिया। उसके बाद हिमालय की पर्वत मालाओं पर पहुंचकर उन्होंने अमृतत्व की कथा सुनानी शुरू की। कहा जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को यह अमर कथा सुना रहे थे, तो वहां पर एक नीले कंठ वाले तोते का एक बच्चा भी वहां पर छिपकर भगवान शिव की यह कथा सुन रहा था। और दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार उसी गुफा में एक कबूतर का जोड़ा भी मौजूद था, जो कि छुपकर भगवान शिव द्वारा सुनाई जाने वाली अमर कथा को सुन रहा था। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब माता पार्वती को अचानक से नींद आ गई। इस कारण माता पार्वती अमर कथा नहीं सुन पाए, लेकिन वह कबूतर का जोड़ा और वह तोता अमर कथा को सुनकर अमर हो गए। कहा जाता है कि आज भी श्री अमरनाथ गुफा में देखे जाने वाला कबूतर का जोड़ा वही दोनों कबूतर है जिन्होंने भगवान शिव की अमर कथा सुनी थी। दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि श्री अमरनाथ गुफा भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर होने के साथ ही साथ माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है, जहां पर माता सती का कंठ गिरा था। दोस्तों, अगर आप भी माता सती के 51 शक्तिपीठों की संपूर्ण कथा और उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारी यह वीडियो जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन अमरनाथ शिवलिंग की खोज को लेकर एक कथा अत्यंत प्रचलित है। एक मान्यता और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट के अनुसार श्री अमरनाथ गुफा के मुख्य शिवलिंग की खोज एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में कुछ तो सच्चाई है तो कुछ झूठ है, फसाने हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय के बाद से ही भारतीय लोगों के दिमाग में यह बात पूरी तरह से बिठा दी गई कि श्री अमरनाथ गुफा की खोज 1850 में एक मुस्लिम गडरिये द्वारा ही की गई थी। लेकिन दोस्तों, यह एक झूठी कहानी है। भारत के लोग श्री अमरनाथ बाबा को हजारों सालों से ही पूजते आए हैं। हमारे कई ग्रंथों और पुराणों में इस स्थान का पहले से ही जिक्र है। राज तरंगिणी ग्रंथ और लिंग पुराण में श्री अमरनाथ बाबा को श्री अमरेश्वर के नाम से वर्णित किया गया है। इसके अलावा अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी गई पुस्तक आईने अकबरी और ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लिखी गई जी.टी. वेगने की पुस्तक में भी श्री अमरनाथ गुफा का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस बारे में कुछ अन्य जानकारी है, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हम हमारी वीडियो के माध्यम से उस जानकारी को हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए जय बाबा बर्फानी।